इकोनॉमिकल हब भी है और एक बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की तो हमें पंजाब इंस्पायर करता है रिगार्डिंग टूरिज्म है। और अरसा 20 साल से मैं भी टूरिज्म कर रहा हूँ, वो एक कहते हैं ना कि गुमनाम सिपाही की तरह। तो लेकिन ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाएं बिला तफरीक हमें इंतहाई इज्जत मिलती है। यानी मैं इसको क्या कह दूँ, इतने सोशियो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किसी भी लिहाज से कोई चीज़ फील नहीं करता। मैं बेसिकली बलूचिस्तान ज़्यादा घूमता हूँ और यहाँ पर तासुर दिया जाता है कि वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन मैं आपको सीरियसली कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 2 ट्रिप होते हैं। कराची से लोग जाते हैं, हमारे पंजाब से कई भी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आवाम के लिए। हमें खाना भाई ने कहा कि पॉजिटिव इमेज शो करना चाहिए, यही वक्त की शदीद तरीन ज़रूरत है। और साथ साथ हमारे जो बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की थोड़ी सी कमी है, कहूँ कोई कंक्रीट किस्म का एक सॉलिड स्टेप लिया जाए। और मेरा कराची से आने का सिर्फ वाहिर ये मकसद है कि यहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग, बहुत अच्छे दोस्त यार अहबाब बैठे हैं, वो इस ज़मीन में कार्रवाई करें और कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। सुबह तकरीबन 9:30 बजे हैदराबाद से निकले, ये भाई बातें कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। आइए बीच में आप ही आए हो, दोबारा स्लोमो में वीआईपी हो जाएगा जब स्लोमो से चलोगे, क्योंकि तो मैं उठाऊंगा तो मैं तू तो चला रहा है। मेरा डॉक्टर कामरान साहब ये हम कक्कड़ दादू और दादू में हम नूरदीन गोड के हैं, आप देख सकते हैं, और जमशेद के मामू का गांव है बेसिकली। और रात को हम पहुंचे थे 12 बजे। सुल्तान भाई हैं, आप उसे देख सकते हैं, इनका अपना एक मुनफरद
अंदाज है तस्वीर लेने का और रात को सोने का। और ये सरसों का केस और उसके अलावा हमारे कमाद यानी गन्ना बहुत ज़्यादा है। और ये तालाब बनाती है, देख सकते हैं आप, खूबसूरत मौसम, ठंडा, ज़बरदस्त, देख सकते हैं मेरे पकोल को और इसके स्टाइल को कि हम जो है सुबह इस टाइम 7 बजे का टाइम है, बेहतरीन। जी जनाब, अब आप देख सकते हैं शलजम खाते हुए, और ये हमारा अमरेली शलजम, और देख सकते हैं क्या खूबसूरत ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। बनता होगा, मैं नहीं पता, मक्की में पूछो, भैंस को डाल दो, छेल के खाए यार, थोड़ा ये नहीं, इधर से ये वाला दरमियान वाला जो बच्चा है ना, अंदर से निकाल ये क्यों, मूली का पत्ता तो बहुत काम करता है। ठीक है सर जी, बस देखे खा रहे यार, हो गई बैठने के। जमशेद भी मूली खाते हुए, मूली नहीं चल, और हमने भी जगह, ये है गोल गोल गाँव का मजा, टिपिकल गाँव है। साग देखिए, साग में मक्खन, मक्खन में जो है वो देसी, इसमें थोड़ा मक्खन और डाल, और वो लिखा खा के कहा खाएगा मक्खन अलग, ये देख रहे हैं, ये जी जनाब, ये हम आमरी से गाजी अहमद की तरफ रवाना है, और हमने ये इस बार ये रूट किया है आपके सामने, और बड़ा ही डिफरेंट किस्म का माहौल है यहाँ पे, और हम हैं दोस्तों थोड़े देर आइडियल, लेकिन पानी गहरा हो, ये या फिशिंग रोड लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम, या रोहू आए हैं 5-5 किलो जो है ना वो मामू के तालाब से, और ज्यादा नहीं पकड़ना भाई, वो कह रहे थे कि देखिए 2 किलो की जरूरत है तो 2 बड़े 12 किलो के पकड़ के फिर हम लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या कह रहे थे अभी, आप क्या कह रहे थे इनके बारे में? तो बड़े डॉल्फिन है ये। अच्छा अच्छा जी, वो अभी डॉल्फिन अपनी जगह से हिली नहीं, काफी देर हो गई है, ये लगता है डॉर्मेंट कंडीशन में चली गई, मेंढक बन गई है। सिगरेट पीएगा तो इसका दिमाग सेट होगा। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हाँ ये देखिएगा वो डॉल्फिन इनको नजर आ रही है, और अभी अपनी जगह पर कायम और दायम है डॉल्फिन।